गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टरलाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की। माय नेम इज अक्षत तिवारी। तो चलिए हम बात करते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ स्टरलाइजेशन, इट मीन कुछ स्टरलाइजेशन के मेथड्स। नाउ फर्स्ट वन इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस को किल करते हैं। स्टरलाइज ऑब्जेक्ट्स फ्री ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया इंडोस्पोर्स एज वेल एज वायरस। स्टरलाइज ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज फ्री ऑफ एवरी थिंग इंक्लूडिंग इंडोस्पोर्स एंड वायरसेस। स्टरलाइज ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वायरसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड सेकेंड वन इज डिसइन्फेक्शन। डिसइन्फेक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरली इंडोस्पोर्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर सरफेस। डिसइन्फेक्शन का यूज किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में किया जाता है, ना कि उनके इंडोस्पोर्स को। थर्ड वन इज डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इनएनिमेट सरफेस टू मेक इट सेफ टू हैंडल। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को लेबोरेटरीज या हॉस्पिटल में यूज करते हैं तो उससे पहले उसको डिकंटामिनेट करते हैं। फोर्थ वन इज डिसइन्फेक्टेंट। डिसइन्फेक्टेंट का यूज हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रैक्टिकल लैब्स के इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइन्फेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जब हम किसी भी वर्क को हॉस्पिटल या प्रैक्टिकल लैब में करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को पहले हम डिसइन्फेक्ट कर लेते हैं, इट मीन्स उसे बैक्टीरिया लेस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसे यूज करते हैं, और ये ह्यूमन टिश्यू के लिए टॉक्सिक होता है। फिफ्थ वन इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो आपने जनरली सुना ही होगा, इसका यूज हम किसी भी बैक्टीरियाज को किल करने या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने में करते हैं, और ये ह्यूमन टिश्यू के लिए सेफ होता है। इसका यूज हम अपने ह्यूमन्स बॉडी पर कर सकते हैं। सिक्स वन इज सैनिटाइजर। सैनिटाइजर इज एन एजेंट। सैनिटाइजर एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सेफ लेवल पर ले आता है, इट मीन्स उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो एक्टिव फॉर्म से उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है और उनकी ग्रोथ को रोक देता है। सेवेंथ वन इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं जो किसी एक माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं और किसी दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और उनको किल कर देते हैं। एट्थ वन इज कीमोथेरेपेटिक एंटीमाइक्रोबियल केमिकल। ये क्या होते हैं कि एक सिंथेटिक केमिकल होते हैं जिनका यूज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थेरेपेटिकली किल करने में यूज किया जाता है। नाइन्थ वन इज सिडॉल एन एजेंट। सिडॉल क्या होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ओनली वन किल करने के लिए ही यूज किया जाता है। आप अगर कहीं भी किसी भी एंटीबायोटिक्स के आगे या फिर किसी के साथ सिडॉल वर्ड अगर यूज है तो आप यह बात जान लीजिए कि इसका यूज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज किया गया है और ये ह्यूमन टिश्यू के लिए टॉक्सिक होता है। टेंथ वन इज स्टैटिक्स एन एजेंट। स्टैटिक्स इन एक्शन विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टैटिक्स का यूज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि सिडॉल और स्टैटिक्स ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या इनहिबिट करेंगे। स्टैटिक्स का वर्क होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इनहिबिट करना, और सिडॉल का यूज होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करना। नाउ वी आर टॉक अबाउट फिजिकल मेथड से स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट वन इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर्स को टू टाइप्स डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन जनरली बी किल्ड एट टेम्परेचर फ्रॉम 50 to 70 degrees Celsius विथ मॉइस्ट हीट। जो वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें 50 to 70 degrees Celsius पर किल किया जा सकता है। बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स हाउ इवर आर वेरी रेजिस्टेंस टू हीट एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू मच हाई टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। कुछ बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स भी किल नहीं होते हैं क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं और उन्हें एक्सपोज करना इतना आसान और सिंपल नहीं होता है। हाई टेम्परेचर में भी अप्लाइड एज आइदर मॉइस्ट हीट आर ड्राई हीट। हाई टेम्परेचर्स को टू टाइप्स डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज मॉइस्ट हीट एंड सेकेंड वन इज ड्राई हीट। नाउ फर्स्ट वन इज मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट इज जनरली मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट जो होता है कि कंपेयर में ड्राई हीट के कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट माइक्रोबियल सेल्स। ये क्या होता है कि मॉइस्ट हीट जो होता है वो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं उनको पेनिट्रेट कर जाता है, इट मीन्स उनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनको छेद कर उसके अंदर चला जाता है और उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में डैमेज प्रोड्यूस करता है। मॉइस्ट हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई डी नेचरिंग देयर प्रोटीन। मॉइस्ट हीट जो होता है किसी भी माइक्रोब्स को किल करता है उसके पहले उसके प्रोटीन्स को, उसके एंजाइम्स को, उसके लिपिड्स को डीनेचर करता है, इट मीन्स उनके 3D शेप्स को डैमेज करता है और उनके एंजाइम
अपने फंक्शंस को लॉस कर देते हैं। इट में आल्सो मेल्ट लिपिड्स इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब जो माइक्रोब्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, वो जिसे लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब क्या होते हैं कि वो लिपिड्स को मेल्ट कर देते हैं, इट मीन्स पिघला देते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें लाइसिस हो जाता है। इट मीन्स लाइसिस मीन्स होता है किसी भी सेल्स का टूटना। जब सेल्स टूट जाते हैं तो उसका लिपिड्स जो होता है वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है वो सेल्स का ब्रेक हो जाता है और सेल्स डेड कर जाते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग इम्प्लॉय स्टीम अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग क्या होता है कि एक स्टीम अंडर प्रेशर मशीन होता है। ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग द मटेरियल टू बी स्टरलाइज आर प्लेस्ड अंडर 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ प्रेशर इन ए प्रेशर कुकर टाइप ऑफ एपराटस। जो ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग के जब हम करते हैं ऑटोक्लेविंग, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स को या सब्जेक्ट्स को या फिर कल्चर मीडिया को जब हम स्टरलाइज करते हैं, तो क्या होता है कि उसके स्टरलाइज करने के लिए उसको 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर देना पड़ता है। और ये पेपर प्रेशर हम कुकर टाइप सिलेंड्रिक ऑटोक्लेव होता है उसमें देते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ ऑटोक्लेव। ये होता है हमारा मीटर जिसके थ्रू हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और ये सिलेंड्रिक टाइप एक बर्तन है लाइक कुकर टाइप, जिसके अंदर हम किसी भी कल्चर मीडिया को पुट करते हैं और स्टरलाइज करते हैं। वेन प्लेस्ड अंडर 15 पाउंड ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड टू 121 डिग्री सेल्सियस ए टेम्परेचर सफिशियंट टू किल बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स। मैंने बताया था कि इंडोस्पोर्स को किल करना इतना सिंपली नहीं है, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। तब क्या होता है कि ऑटोक्लेविंग में हम जैसे ही 15 पाउंड पर स्क्वायर प्रेशर देते हैं, वैसे ही जो उसका टेम्परेचर है वो क्या होता है 121 डिग्री सेल्सियस रेज्ड कर जाता है। इस मीन्स पहुँच जाता है, और इतना टेम्परेचर किसी भी बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स को किल करने के लिए सफिशियंट होता है। ऑटोक्लेविंग इज साइडल फॉर बोथ वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंडोस्पोर्स। जब मैंने बताया था कि साइडल्स मीन्स होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, अब क्या है कि ऑटोक्लेविंग एक साइडल है जो किसी भी वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इंडोस्पोर्स को किल करने के लिए सफिशियंट है। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर मटेरियल्स नॉट डैमेज्ड बाई हीट। और ये जो ऑटोक्लेव है उसमें जो ऑटोक्लेविंग करते हैं, ये बहुत सिंपली और कॉमन मेथड है किसी भी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने का। और ये उसी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करता है जो कि हीट से डैमेज नहीं होते। इट मीन जैसे ग्लासवेयर्स, फ्लास्क। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हाई टेम्परेचर बॉइलिंग। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस विल जनरली किल वेजिटेटिव सेल्स आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स टू एक्सपोजर। आप जानते हो कि बॉइलिंग वाटर, जब कोई भी वाटर को हम बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम किसी भी वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था जो पेड़ पौधे पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100 डिग्री सेल्सियस पर किल हो जाते हैं। However, certain viruses such as the hepatitis virus may survive exposure to boiling water up to 30 minutes. लेकिन कुछ निश्चित वायरस होते हैं, कुछ सर्टेन वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस वायरस, वो बॉइलिंग वाटर इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर भी 30 मिनट सर्वाइव कर सकता है। एंड इंडोस्पोर्स ऑफ सर्टेन क्लोस्ट्रोडियम एंड बैसिलस स्पीसीज में सर्वाइव इवन आवर ऑफ बॉइलिंग। बट कुछ इंडोस्पोर्स हैं, बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स हैं, वायरल इंडोस्पोर्स हैं, जो कि घंटों तक बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को 212 फारेनहाइट में चेंज करने पर होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर यू कैन इमेजिन दैट 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर सकता है। बट उसे किल करने के लिए हम हाई टेम्परेचर, ऑटोक्लेविंग, बॉयलिंग इन सब का यूज करते हैं, जिससे कि हम किसी भी वायरसेस को किल करते हैं और किसी भी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। हमने जाना कि मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेविंग के थ्रू, बॉयलिंग के थ्रू कैसे भी किसी भी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। अब हम ड्राई हीट के थ्रू देखेंगे किसी भी कल्चर मीडिया को कैसे स्टरलाइज करते हैं। ड्राई हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ऑक्सीडेशन रैदर देन प्रोटीन कोएगुलेशन। ड्राई हीट में क्या होता है कि जब हम किसी भी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं, तो उनके माइक्रोब्स के प्रोटीन्स को ऑक्सीडेशन की बजाय उन्हें कोएगुलेट कर देता है और किसी भी माइक्रोब्स को किल कर देता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट हॉट एयर स्टरलाइजेशन। हॉट एयर स्टरलाइजेशन को माइक्रोबायोलॉजिकल ओवन कहते हैं, और ये क्या होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर में ड्राई हीट देता है, जिससे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अगर 171 डिग्री सेल्सियस पर हम किसी भी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करना चाहते हैं, तो एक घंटे तक हॉट एयर स्टरलाइजेशन में पुट करता है। अगर 160 डिग्री सेल्सियस पर करना चाहते हैं तो 2 घंटे। अगर 121 डिग्री सेल्सियस पर करना चाहते हैं तो 16 आवर। मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑटोक्लेव होता है उसमें जब ऑटोक्लेविंग करते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस पर ही किसी भी माइक्रोब्स को किल करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप हॉट एयर स्टरलाइजेशन के थ्रू किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, बट ये कुछ टाइम्स लेते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में सफिशियंट होते हैं।
They are generally used for sterilization glassware, metals, instruments, and other inert material like oils and powders that are not damaged by excessive temperature. जो hot air sterilization होता है क्या कहता है कि किसी भी मतलब lab instruments like glassware, metal instruments को sterilize करता है, but ये कभी कभी inert materials को भी sterilize करता है, लाइक ऑयल्स एंड पाउडर्स को, ऐसे materials जो कि high temperatures पर damage ना हों. And second example of incineration. Incineration are used to destroy disposable or expendable materials by burning. Incineration में हम किसी भी product को materials को sterilize करने के लिए burning के through sterilize करते हैं. Like जब disposable कोई product हो, expendable materials हो, तो उसे हम burning के through क्या करते हैं कि sterilize करते हैं. We are also sterilize our inculcating loops by incineration. जब हम किसी भी inculcating loops को incineration के through स्टरलाइज करते हैं तो क्या करते हैं कि हम उसे फ्लेम के ऊपर कुछ समटाइम्स के लिए रख देते हैं, और ये जब तक ब्लड रेड नहीं हो जाता तब तक हम इसे वहाँ से नहीं हटाते हैं. और जैसे ही वो ब्लड रेड हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जो ये इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो किल हो गया, और हमारा ये जो इनक्लूटिंग लूप है वो स्टरलाइज हो गया है. अब लो टेम्परेचर के थ्रू किसी भी माइक्रोब्स का स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे. लो टेम्परेचर इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोविंग डाउन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म. लो टेम्परेचर क्या कहता है, किसी भी माइक्रोब्स के मेटाबॉलिक को स्लो कर देता है, उनके फंक्शंस को स्लो कर देता है, तो माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, इट मीन्स स्टॉप हो जाती है. एग्जाम्पल इंक्लूड रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो फ्रीज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लो टेम्परेचर का. रेफ्रिजरेशन एट 5 डिग्री सेल्सियस स्लो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कीप्स फूड फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज. अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में कोई भी प्रोडक्ट या फूड को रखते हैं तो ये कुछ दिनों तक सेफ रह सकता है, इट मीन्स उसमें फंगस नहीं लगेंगे. अगर फ्रीजिंग एट -10 डिग्री सेल्सियस स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ. अगर हम -10 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी प्रोडक्ट या फूड को फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, सेवरल मतलब कई महीनों तक सेफली हमारे साथ रह सकता है और हम इसे यूज कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सेल वॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड माइटोकॉन्ड्रिया का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हो. और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पर नॉलेज चाहिए.